चलो चलो मेरे गांव, मेरे खेत के गेहूं कटवाने। हाँ, गेहूं कटवाने की ना कटवाने। और अभी तो रुको, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जरा सा थक कर बैठ जाओ तो बोलती है गेहूं काटो वरना हसिया से नाक काट दूंगी। बार बार बैठ जाते हो, ज्यादा धूप लगती है। बोलता तो हूँ कि सुबह और शाम को गेहूं कटवाओ पर तू धूप में ही कटवाती है, देख धूप में कितना काला हो गया हूँ। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? क्या गजब बेइज्जती है। चिंता मत करो, अब थकोगे तो चंपा रानी से पूरे शरीर की मालिश करवा दूंगी। क्या क्या बोला तूने रूपा? बेटा मन में लड्डू फूटा। सुन किशन, मैं धूप में गेहूं काटूंगा और पानी तक नहीं पीऊंगा। क्या? रुक जा रुक जा, तो मैं रुक जा। हाँ रूपा, मैं काटूंगा तुम्हारे खेत के गेहूं, चाहे कितना भी पड़ जाऊं काला, पर रात में तो चंपा से मालिश करवाऊंगा साला। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रूपा, चंपा का नाम सुन के मुझसे सबर नहीं हो रहा, चलो गेहूं काटते हैं। हाँ चल बेटा, चंपा रानी मेरी भैंस है, चार लात रखेगी, मालिश हो जाएगी। ये फंस गया। लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। दोस्तों,